नमस्ते दोस्तों, काफी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि आप लोग सब, अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, मैं अपने इंजरी अपडेट्स देता रहता हूँ। चार महीने पहले दिसंबर 26 को आई वेंट टू प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलने गया था एंड फुटबॉल खेलते दौरान मेरे को एक इंजरी हुई। जब स्टार्टिंग में इंजरी हुई थी, आई थॉट इट्स अ माइनर थिंग, ज्यादा कुछ नहीं है, तो अपन आइसिंग करेंगे उसको और वो ठीक हो जाएगा। स्वेलिंग होगी थोड़ी बहुत, तो मुझे लगा स्वेलिंग हो रही है, पेन भी था, बट आई थॉट कि वो ठीक हो जाएगा। फिर मैं कराया, मैंने आइसिंग वगैरह करी एंड उस टाइम इतना नहीं सोचा था मैंने कि इतनी तगड़ी, इतनी बड़ी इंजरी हो रखी है। बट खैर, तो मैंने उसके बाद डॉक्टर वगैरह को दिखाया तो उन्होंने बोला कि फ्रैक्चर हो रखा है। एक चीज मैं आपको सबको एडवाइस करूँगा, अगर आपको लग रहा है, हल्का सा भी लग रहा है ना कि आपकी इंजरी आपकी काफी बड़ी इंजरी है, तो आप प्लीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ना जाए। मैं कहता गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो उन्होंने मेरा एक एक्सरे करवाया था एंड उनको ऐसा लगा कि वो फ्रैक्चर हो रखा है एंड उन्होंने उसी हिसाब से फिर मेडिकल मेडिसिन दे दी। उन्होंने ना मेरा लैक्मन टेस्ट किया। लैक्मन टेस्ट होता है बेसिकली आपको पता लगाने के लिए एसीएल आपका टियर हुआ है कि नहीं। हर एक डॉक्टर, अगर आप एक प्रोफेशनल अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो पहले आपका लैक्मन टेस्ट करेगा, फिर आपको चलवा के दिखाएगा। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो चीजें नहीं होती है, वो एकदम केयरलेस तरह ट्रीट करते हैं। कॉमन पीपल जैसे मेरे लोगों के लिए बिल्कुल भी वहाँ पे फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। वो लोग ऐसे ही देखेंगे आपको थोड़ी देर के लिए, फिर आपको दवाइयाँ लिख देंगे, बोलेंगे जाओ। तो वो चीज अच्छी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी इंजरी बहुत ज्यादा बड़ी है, आपकी करियर को इम्पैक्ट कर सकती है, तो आप प्लीज एक अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं ताकि आपको अच्छे से ट्रीटमेंट मिले। 26 दिसंबर को मेरा एसीएल टियर हुआ, फिर मैं घर आया, फिर मैंने ये सब दिखाया डॉक्टर को, तो वो एक महीना ऐसे चला गया एक जगह से दूसरी जगह जाने में। पैर का दर्द ठीक नहीं हो रहा था, मैं सही से चल नहीं पा रहा था। मेरे फ्रेंड ने एक सजेस्ट करा कि तू एमआरआई करवा ले, तो उसके भी पेन हो रहा था नी में, तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों जाएंगे साथ में, एमआरआई करवाएंगे, देखते हैं क्या होता है। वहाँ पे 2-3 घंटे लगे एमआरआई करवाने में, फिर रिपोर्ट्स आनी थी नेक्स्ट डे, तो हमने एमआरआई करवाया, हम घर वापस आए एंड आई वाज रियली काम एट दैट पॉइंट। मैं ज्यादा भी नर्वस नहीं था, बिल्कुल भी नर्वस नहीं था, मैं घबरा नहीं रहा था। बट फिर अगले दिन जब रिपोर्ट आई, उन्होंने पहले तो पीडीएफ भेजी थी, पीडीएफ में रिपोर्ट थी रिजल्ट से, तो उसमें लिखा था कंप्लीट एसीएल टियर। जब मैंने पहली बार उसको पढ़ा तो वो चीज पढ़ के ही एकदम, मतलब आई कांट एक्सप्लेन दैट फीलिंग, आई वाज सो इन शॉक एंड आई कुड सी माय फ्यूचर कि अब अगले कुछ महीनों तक क्या होने वाला। मैंने ऑनलाइन रिसर्चेस पढ़े कि एसीएल टियर कैसे होता है, एसीएल टियर की ट्रीटमेंट्स क्या है एंड ऑल दैट। So, I knew it all along कि अगर एसीएल टियर हुआ तो ये सब होने वाला है, ये सब करना पड़ेगा। So, जब हमारा एक रिपोर्ट फिल्म वगैरह आई हमारे पास, तो हम एक दूसरे अच्छे प्रोफेशनल डॉक्टर के पास गए, प्राइवेट हॉस्पिटल में गए बेसिकली, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो बोल दिया था फ्रैक्चर है, कुछ नहीं हुआ है, एसीएल टियर वगैरह तो चेक भी नहीं करा उन्होंने। तो वो चीज़ मैं हमेशा से पहले जैसे बता चुका हूँ आपको, अगर लग रहा है आपकी एक करियर इम्पैक्ट इंजरी है, तो आप प्लीज जाके किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाएं। फिर हम गए महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में, हम वहाँ पे गए, मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने हमारा एक रिपोर्ट पहले चेक नहीं करी, उन्होंने सबसे पहले मेरा लैक्मन टेस्ट करा, सीधा बोल दिया आपका कंप्लीट एसीएल टियर है, सर्जरी करनी पड़ेगी। उन्होंने 27 जनवरी को डेट दी, डेट में हम सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं 26 को जाके एडमिट हो गया, 26 की रात को, एंड वहाँ पे जाके एडमिट होने के बाद मैंने थोड़ा बहुत मील वगैरह लिया जो उन्होंने प्रोवाइड करा। नेक्स्ट मॉर्निंग आई टू द बाथ एंड got ready for the surgery. उन्होंने एक एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया मेरे लोअर बैक पे, तो उससे मेरा पूरा जो लेग था वो फ्रीज हो गया। मेरे को बोला कि आप आंखें बंद कर लो, आप मत देखो ये सब चीजें, आप सो जाओ। बट मैं उस टाइम, मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी बेसिकली, मैं पूरा स्क्रीन पे देख रहा था अपना जो भी सर्जरी चल रहा था। तो सर्जरी परफॉर्म हुई, एक आधा एक घंटा लगा उसमें सर्जरी को। फिर उसके बाद सर्जरी के बाद जैसे मैं वापस अपने रूम पे आया हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत पेन स्टार्ट हुआ, क्योंकि धीरे धीरे जैसे एनेस्थीसिया का असर खत्म होता है तो पेन वापस से आता है, थोड़ा थोड़ा हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। 29 जनवरी को मैं डिस्चार्ज हुआ, मैं घर वापस आया। फिर जैसे मैं घर आया, मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करी जैसे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, लेग रेजेस, लेग एक्सटेंशन। सर्जरी के बाद का जो पहला हफ्ता था, उसे बस एक्सरसाइज करते वक्त दर्द होता था, थोड़ा बहुत पेन होता। सर्जरी के बाद सबसे बड़ी चीज होती है फुल रेंज ऑफ मोशन अचीव करना, जो कि काफी टफ भी होता है, काफी चैलेंजिंग भी होता है। फिर जब दूसरा हफ्ता स्टार्ट हुआ, देन सडनली आई हैड अ लॉट ऑफ पेन इन माय नी, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था, मेरे को 102-103 फीवर भी हो गया था एंड रात के 2 बज जाते थे, मैं सो नहीं पाता था, मैं रात के 2-2 बजे इतना ज्यादा फीवर होता था। सो पूरी फैमिली मेरे ऐसे चारों तरफ बैठती थी और वो बोलते रहते कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वो नेचुरल है, पेन होता है, डॉक्टर से भी मैंने बात करी तो उन्होंने बोला कि 102 फीवर वो होता है,
उसमें कोई इश्यू नहीं है, और वो सर्जरी के बाद आपकी बॉडी एक प्रोसेस के थ्रू गुजरती है, तो आपका वो पेन आता है। मैं ऑफिस में काम करता था, बिकॉज थोड़ा वो डिस्ट्रैक्शन होता तो पेन कम होता था, और कॉन्स्टेंट पेन, ये नहीं कि आपने कुछ कर लिया, आपने आइसिंग कर लिया, एक्सरसाइज कर ली तो आपका पेन थोड़ा बहुत कम हो गया, नहीं, वो कॉन्स्टेंट पेन है, वो दिन भर रात भर लगा रहता है। यू जस्ट हैव टू बेयर, आपको सहना पड़ेगा वो दर्द। एक महीने बाद विजिट हुआ था मेरा, तो उन्होंने स्टिचेस रिमूव करे, आई थिंक अराउंड आफ्टर 6 वीक डॉक्टर ने बोला कि आप, आपको बेल्ट पहनने की जरूरत नहीं है, घर में वॉक करना स्टार्ट कर दो। तो आई स्टार्टेड वॉकिंग अ लिटिल घर के अंदर, आफ्टर 7 वीक्स आई वाज एबल टू वॉक आउटसाइड ऑफ माय रूम। थोड़ा बहुत फुटबॉल मैच देखने गया, मेरे फ्रेंड्स खेल रहे थे तो मैं उनका मैच देखने गया था। आज 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, एंड इस 8th वीक में मैंने जिम स्टार्ट करा, काफी हल्के वेट से मैं बेसिक एक्सरसाइज कर रहा हूँ ताकि मेरे नी पे ज्यादा लोड ना ही पड़े। मैं फिर भी नी ब्रेस पहन के जिम जाता हूँ। अगर आप किसी फुटबॉलर को ये बोल दो कि आपको अगले 9 महीने तक फुटबॉल नहीं खेल, लाइक अ सैड थिंग, यू नो, अभी तो लेग्स ट्रेन करना बिल्कुल मना है, अराउंड 6 महीने बाद आई कैन स्टार्ट पुटिंग लिटिल लोड ऑन माय लेग्स लाइक स्क्वाट्स वगैरह, क्योंकि बिना स्क्वाट्स डेडलिफ्ट के तो जिम मेरे से नहीं हो पाएगा, एंड ऑल्सो फुटबॉल के बिना जिंदगी नहीं हो पाएगी। ऐसा एक भी दिन नहीं आया हो जिसमें मैंने अपना फिजियोथेरेपी स्किप करा। मैं भले ही बाहर जा रहा हूँ तो मैं सुबह करके जाता हूँ, एंड फिर जो शाम को अगर लेट हो जाता है तो रात को सोने से पहले हमेशा मैं अपनी एक्सरसाइजेस वगैरह करता हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल द पीपल हू मैसेज मी, मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव थी इसके दौरान, काफ़ी हेल्प करी उन्होंने, सो आई कैन नेवर थैंक देम इनफ फॉर दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू गाइस लव्ड इट। सो आई एंड दिस वीडियो ऑन अ वेरी गुड नोट। व्हाट डू वी फोर्स सो दैट वी कैन लर्न टू पिक आवरसेल्व्स अप? Given up on me.